अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ क्लोथ्स डिज़ाइन। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपनी ड्रेस की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए उसको मुख्तलिफ डिज़ाइन से डेकोरेट करते हैं। अगर हम इस वीडियो में प्लेट्स की बात करें तो प्लेट्स ना सिर्फ गले या दामन इन जगहों पर, बल्कि ये हमारी पूरे सूट की खूबसूरती में इजाफा करते हैं और हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं। प्लेट्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से डाला जाता है, जैसे कि अगर हम गले या के गर्दन वाली साइड्स पे देखें तो उनको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या जिगजैग शेप में लिया जाता है, लेकिन अगर हम ज़्यादातर प्लेट्स की बात करें तो उनको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइनिंग में ही डाला जाता है। अगर हम वर्टिकल लाइनिंग में देखें तो इससे हमारी सूट्स की फिटिंग में भी खूबसूरती आती है और इससे हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम करती है। अगर हम गले पे एक साइड पे देखें तो इससे ये मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग की शेप दी जाती है। अगर हम जिगजैग या इसको हॉरिजॉन्टल शेप में दें तो इससे हमारे पास गले के मुख्तलिफ डिज़ाइन में इजाफा होता है। ना कि सिर्फ खाली प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इनके साथ साथ लेसेस, बटन और यहाँ तक कि चुनर डाल के इनकी खूबसूरती में इजाफा किया जाता है। अगर हम फुल सूट पर प्लेट डालें तो इससे हमारे फुल सूट की खूबसूरती में इजाफा होता है और उससे हमारी फिटिंग और हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। अगर हम इनको बटन या फिर टसल्स के साथ लगा के प्लेट्स और चुनर्स इन दोनों का इस्तेमाल करें तो इससे हमारा जो सूट होता है उसमें उसकी डिज़ाइनिंग में इजाफा होता है और उसी के साथ साथ जो हमारे पास सूट की डिज़ाइनिंग होती है वो वाजिया और नुमाया होती है। अगर प्लेट्स को चुनर के साथ और इसी तरह लैस और बटन के साथ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो और हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं और सूट की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।